टैक्सेस को बढ़ाए गए, फिर ये जीएसटी, इस सब में इतना कागज़ का काम करा दिया। जेटली को तो इकोनॉमिक्स पता ही नहीं है, तो इसीलिए कि मंत्री का इतना मुखर विरोध किसी ने नहीं किया। ये तो तय करने वाली है सरकार, ये तय करने वाली है पार्टी, वो कुछ नहीं कहते हैं। तुम्हें इतना क्यों, तुम क्या जेटली का चमचा हो? बीजेपी के नेता माने कम से कम चुनाव एक बार तो जीतना चाहिए ना। भारतीय जनता पार्टी के कुछ ही नेता होंगे जो अपनी ही पार्टी की आलोचना करते दिखाई दिए हों या अपनी पार्टी की नीतियों पर सवाल करते दिखे हों। आज हम बात कर रहे हैं बीजेपी से राज्यसभा मेंबर सुब्रमण्यम स्वामी की। सुब्रमण्यम स्वामी अपने बेबाक रवैये के लिए जाने जाते हैं। बीजेपी की नीतियों पर अगर सवाल करें तो विपक्ष को तो एंटी नेशनल करार दिया जाता है, पर सुब्रमण्यम स्वामी खुलकर सरकार और विपक्ष दोनों की नीतियों पर सवाल करते हैं। आज हम उनके कुछ वीडियो दिखाएंगे जिसमें वे बीजेपी की आलोचना कर रहे हैं। जी न्यूज पर सुब्रमण्यम स्वामी का इंटरव्यू हुआ। इस इंटरव्यू में एंकर ने सरकार द्वारा लिए फैसले जैसे कि जीएसटी, नोटबंदी पर कुछ सवाल किए। इस पर अपने जवाब में उन्होंने इन फैसलों की कड़ी आलोचना की। क्या नाराजगी आपको लगता है? नाराजगी तो सिर्फ ज्यादा इकोनॉमिक्स पर है। वो जो संचालन फाइनेंस मिनिस्ट्री का हुआ है वो उससे सबको दुख हुआ है, हम लोगों को भी दुख हुआ है। टैक्सेस को बढ़ाए गए, फिर ये जीएसटी, इस सब में इतना कागज़ का काम करा दिया। नोटबंदी कल्पना अच्छी थी परंतु कोई तैयारी फाइनेंस मिनिस्ट्री से नहीं थी। जो नए नोट्स को छापना चाहिए था एडवांस में वो नहीं किया, और इंटरेस्ट रेट जो ब्याज के जो दर्ज हैं दर्जा वो बढ़ते गया। तो ऐसे लोगों के कारण, और जेटली को तो इकोनॉमिक्स पता ही नहीं है, तो इसीलिए इस हालत हुई है। अरुण जेटली से इस अति प्रेम की वजह कुछ? मेरा कोई प्रेम नहीं है, मैं उसको जानता भी नहीं हूँ। आपका ये प्रेम कई बार छलका है। मैं नहीं, प्रेम आपका प्रेम से मुझे संदेह होता है, तुम्हारे अखबार वालों का प्रेम से। 2019 के इलेक्शन से पहले क्विंट पर सुब्रमण्यम स्वामी का इंटरव्यू हुआ। इस इंटरव्यू में एंकर ने चुनावी एजेंडे को हिंदुत्व पर फोकस होने की बात कही। इस पर सुब्रमण्यम स्वामी ने क्या जवाब दिया, आप ही सुनिए। मैं आज नरेंद्र मोदी को भी यही कहता हूँ, कभी इकोनॉमिक परफॉर्मेंस में चुनाव नहीं जीता जाता है। ना नरसिम्हा राव जीते, ना वाजपेयी इंडिया शाइनिंग में जीते, ना मोरारजी दामों को कम कर दिया पर जीते। ये दुनिया में भावना से लोगों का जब भावना जगती है। बीजेपी ने 2014 में पहली बार, और मैं राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को इसके लिए बधाई दूंगा, वो इस राय के शुरू से थे। हम लोग मानते नहीं थे, माने हम माने जनसंघ में भी नहीं मानते थे। वाजपेयी तो बिल्कुल उसको ठुकरा दिया था 2014 में और इसीलिए हार भी गए। ये नई स्ट्रैटेजी बनी कि इनका उल्टा करें, हम हिंदुओं को इकट्ठा करने के लिए हम हिंदुओं की ऐसी बात लेकर सामने रखें कि वो इकट्ठे हो जाएं, बांट ना जाएं। मुसलमानों में महिलाओं को अलग कर दो, ट्रिपल तलाक देकर, ये करके, ये गवर्नेंस ये सब कहने की बात है, उस पर नहीं जीते। जी न्यूज पर सुब्रमण्यम स्वामी के इंटरव्यू में एंकर ने अरुण जेटली का जिक्र किया। अपने जवाब में स्वामी ने एंकर और अरुण जेटली दोनों की आलोचना की। मैं आपसे इसलिए पूछ रहा हूँ, आपने कहा कि इकोनॉमिक्स की उनको जानकारी नहीं है, लेकिन वो वित्त मंत्री हैं। तो क्या करूँ, ऐसे वित्त मंत्री पहले भी हुए हैं। चिदम्बरम को भी इकोनॉमिक्स पता नहीं है, वो भी वित्त मंत्री थे। हमारे देश में कोई इकोनॉमिक्स जानने वाला वित्त मंत्री था तो वो मनमोहन सिंह था। नहीं सर, अगर आप प्रचार तो यह है कि जो जेटली के पीछे चापलूसी करेंगे तो मुझे प्रमोशन मिलेगा, मुझे टेलीविजन में अच्छा काम मिलेगा, नहीं मिलेगा तो निकाल देगा, ये डर है आप लोगों के दिमाग में। तो मैं सर बुरा ना माने तो मुझे ऐसा लग रहा है मैं बीजेपी के भावी शत्रुघ्न सिन्हा से बात कर रहा हूँ। नहीं, मुझे लगता है कि किसी दुष्ट के साथ मैं इंटरव्यू कर रहा हूँ। सरकार के साथ सरकार के मंत्री का इतना मुखर विरोध किसी ने नहीं किया। ये तो तय करने वाली है सरकार, ये तय करने वाली है पार्टी, वो कुछ नहीं कहते हैं। तुम्हें इतना क्यों, तुम क्या जेटली का चमचा हो? वाह क्या सीन है। एयर इंडिया को बेचे जाने को लेकर विपक्ष ने तो बीजेपी की आलोचना की ही, लेकिन सुब्रमण्यम स्वामी ने भी एक ट्वीट के जरिए सरकार की आलोचना की। उन्होंने लिखा, एयर इंडिया डिस इन्वेस्टमेंट प्रोसेस रीस्टार्ट्स टुडे। The deal is wholly anti-national and I will be forced to go to the court. We cannot sell our family silver. News Nation पर सुब्रमण्यम स्वामी के इंटरव्यू में एंकर ने अरुण जेटली का जिक्र किया। आप भी सुनिए स्वामी ने क्या जवाब दिया। मैं अरुण जेटली के बारे में एक सवाल और पूछना चाहता हूँ आपसे।
क्यों मैं तुम्हें अरुण जेटली से मोह क्यों है नहीं, मैं क्योंकि ये जानना चाहता हूँ कि आप लोगों के बीच में इतनी मोहब्बत क्यों है डीमोनेटाइजेशन के समय। जी हाँ, डीमोनेटाइजेशन के समय, नोटबंदी के समय एक ही नेता थे भारतीय जनता पार्टी में जो अरुण जेटली के बारे में ऐसे ऐसे शब्दों का इस्तेमाल कर रहे थे जो कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार तो छोड़ दीजिए वहां का कोई कार्यकर्ता भी सोच नहीं सकता था। तो इसलिए मैं जानना चाहता हूँ कार्रवाई क्यों नहीं की मेरे ऊपर। वही तो, ये क्या हाँ। आप लोग की क्या मोहब्बत, बाकी लोगों के खिलाफ कर दिए, जेठमलानी के खिलाफ जी, शौरी के खिलाफ, यशवंत सिन्हा, यशवंत सिन्हा क्यों जी, मेरा क्यों नहीं किया। अरुण जेटली आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकते, प्रयास तो बहुत किया उसने, चला नहीं उसका। आप उनको नेता मानते हैं कि नहीं मानते? कौन, अरुण जेटली किस नेता, किसकी नेता, बीजेपी के नेता? बीजेपी के नेता माने कम से कम चुनाव एक बार तो जीतना चाहिए ना। आपने देखा कि किस तरह से स्वामी ने अपने ही पार्टी के द्वारा लिए फैसलों पर आलोचना की। हम उम्मीद करेंगे कि सुब्रमण्यम स्वामी आगे भी अपने राय पे बाकी से रखते रहें। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब टुडे टीवी। Please subscribe, and to get notifications about news, please click the bell icon.